केन्या के मिलिट्री चीफ फ्रांसिस ओमांडी ओगोला की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर सवार 9 और लोगों की भी जान चली गई है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने एक टेलीविजन संबोधन में घटना की जानकारी दी। उन्होंने शुक्रवार से अगले 3 दिनों तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। रूटो ने अपने संबोधन में कहा कि एक हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल फ्रांसिस ओगोला और सेना के 9 अन्य सदस्यों की जान चली गई है। दुर्घटना में 2 लोग बच गए हैं। यह हादसा गुरुवार दोपहर में हुआ। राष्ट्रपति रूटो ने आगे कहा, बतौर कमांडर इन चीफ मेरे और पूरे केन्या डिफेंस फोर्सेस के लिए एक दुख का समय है। आज का दिन देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अपने सबसे बहादुर जनरलों में से एक को खो दिया है।